बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एंड वेलकम बैक टू किचन विद अमन। तो आज जो हमारी रेसिपी है वो है चिकन सूप की, और मुनफरद तरीके से आज मैं ये सूप बनाने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें ताकि कोई भी स्टेप आप लोग मिस ना करें। चिकन सूप जो है सर्दियों की सौगात है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा पिया जाता है। कमर्शली ये रेसिपी आप लोग बना सकते हैं। सिर्फ आधे किलो चिकन की जो है ये रेसिपी है, ये देखें कितने मज़े की बनी है और कितनी ही आसान है, कितने ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स से मैंने बनाई है। कोई एडिशनल इसमें वेजिटेबल्स और कॉर्न वगैरह नहीं है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ आधा किलो हड्डियों वाला चिकन। हड्डियों वाला लाजमी होना चाहिए क्योंकि इससे सूप का जो जायका है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर पानी डाल दिया और इसको ढक दिया। इसको तकरीबन 20 मिनट तक हमने उबाल दिया। अब तकरीबन 1 लीटर पानी रह गया है। चिकन जो है वो हम इसमें से निकाल लेंगे और इसके श्रेड्स बना लेंगे। अब उसी यखनी में हम तकरीबन आधा टीस्पून नमक डाल देंगे। नमक आप हसब जायका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। इसमें तकरीबन 1/3 कप जो है आपने पानी डाल देना है, या 1/2 कप भी आप डाल सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से इसमें हल कर लेंगे। यखनी जो है वो बॉईल हो रही है, इसी उबलते हुए यखनी में हम इसको डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके और अच्छी तरह मिक्स भी करते रहेंगे ताकि स्टार्च जो हो वो एक जगह इकट्ठा ना हो। मिक्स करते रहेंगे। फ्लेम यहाँ पे हमने हाई रखना है। ये देखिए अपनी जो है गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे मैंने 3 अंडे पहले से ही फेंट के रख दिए थे, इसको भी इसमें ऐड करते जाएंगे और साथ ही साथ मिक्स करते जाएंगे। इसी तरह से सारे अंडे इसमें मिक्स कर लेंगे और सूप को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे जो हमने चिकन रखा था वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे, इसी तरह श्रेडेड चिकन। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्च पाउडर, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद लास्ट स्टेप जो है हम इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस के डाल लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और सूप जो है हमारा तैयार है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सिरका लिया था और इसमें सन्स मिर्चें जो है बारीक बारीक काट के रख ली थी। अगर आप ऊपर गार्निशिंग के लिए यूज़ करना चाहें या थोड़ा सा सिरका जो है वो ऐड करना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। 1 सूप कप लेंगे और उसमें सूप को जो है वो डिश आउट कर लेंगे। ये देखें गर्मा गर्म सूप जो है वो तैयार है। बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कम टाइम में ये बनता है। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और फीडबैक अपना लाजमी दिया करें। देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को थम्स अप कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। विजिट करें मेरे चैनल को ऐसी ही आसान रेसिपीज़ के लिए। अगर आप अपनी पसंद की कोई रेसिपी बनवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लाजमी प्लेस करें। मिलते हैं एक ऐसी ही आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा, दोनों में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।